यस, वी आर स्टार्टिंग विद प्रायोरिटी टेबल। सबसे पहले ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये जब हम वर्टिकली देखते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट ग्रुप, दिस इज आवर सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज आवर थर्ड ग्रुप, दिस इज आवर फोर्थ ग्रुप। तो ऐसे करते करते देर आर टोटल 18 ग्रुप्स। वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 18 ग्रुप्स, ये लर्न होने चाहिए आपको, आपको पता भी होना चाहिए ग्रुप क्या होता है। ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम। अगर आप लेफ्ट टू राइट बनाते हैं लाइक ऐसे, इसको पीरियड कहते हैं। हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर? 7 पीरियड्स आर देयर, देयर आर 7 पीरियड्स। अब फिर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्लॉक्स क्या होते हैं, प्लीज। ब्लॉक्स क्या होते हैं? ये एस ब्लॉक है, दिस इज योर एस ब्लॉक, ये सारे का सारा आपका पी ब्लॉक है, दिस इज योर पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, यहां से ये सारे का सारा, ये आपका दिस इज योर डी ब्लॉक, और जो नीचे बनाया गया है ये सारे का सारा एफ ब्लॉक है। तो आपके पास कितने ब्लॉक्स होते हैं? 4। यू हैव 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से? एसपीडीएफ। ये आपके, इसमें भी आपको बहुत अच्छी चीज समझने वाली है कि ग्रुप्स 18 क्यों हैं। बेटा एस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 2। इसीलिए 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस में 2 ग्रुप्स हैं, एक में पहला इलेक्ट्रॉन, एक में दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 आ सकते हैं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप जानते हैं कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 6 है, दिस इज पी 1, दिस इज पी 2, दिस इज पी 3, दिस इज पी 4, दिस इज पी 5, दिस इज पी 6। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, इसीलिए उसको 6 ग्रुप्स दिए गए हैं। डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें तो उसको 10 ग्रुप्स दिए गए हैं, D1, D2, D3, D4, D5, ये देखिए हम यहाँ जगह बनाते हैं पहले, D6, D7, D8, D9, D10। तो अब और एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है। दिस इज अ लिमिटेशन, राइट डाउन, लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट डाउन, लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। व्हाट आर द मेजर लिमिटेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? फर्स्ट, एफ ब्लॉक इज नॉट इंक्लूडेड, एफ ब्लॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसको अलग रखा गया है। एफ ब्लॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये उसकी लिमिटेशन है। सेकेंड, द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। अभी भी ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, रेस्ट ऑल आर मेटल्स,
lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. These all elements are what? Hydrogen के जितने नीचे elements हैं, ये सारे के सारे metals हैं. Hydrogen non-metal है. The position of hydrogen is not clear. Hydrogen अभी तक clear नहीं है कहाँ होना चाहिए. ये भी limitation. Hydrogen, the position of hydrogen is not clear. Third, helium को हमने P block पे रखा हुआ है. The position of helium is not accurate. It should be in S block. Helium is 1s2. हमने इसको रख दिया P6 में. आप neon की configuration लिख के देखिए, आपको P6 आएगा. 1s2, 2s2, 2p6. आप आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, आर्गन इज 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सब में p6 आएगा. सर एक हीलियम में s2 आता है. हीलियम शुड बी इन s ब्लॉक. दिस इज नॉट क्लियर. द पोजीशन ऑफ हीलियम इज नॉट एक्यूरेट. Helium should be in S block, but it is given in P block. This is the limitation. These are the three major limitations of modern periodic table. इसमें one mark का एक और question आता है, एक major और question आता है. Modern periodic table is given by, modern periodic table किसने बनाया था? Henry Moseley. Yes, it's Henry Moseley. Write it down. Henry Moseley. Modern periodic table is created by Henry Moseley. Henry Moseley. उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा. Okay, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, आपकी विजिबिलिटी लेवल और बेटर हो जाए. हम इसको रब कर रहे हैं. सारा रब कर दिया. जस्ट अ मिनट, हम सारा रब कर देते हैं. ये हमने यहां से हटा दिया. आई थिंक सो नाउ विजिबिलिटी इज लिटिल बिट बेटर. अब देखिए, जो ग्रुप वन है, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं आपके लिए, जगह और बन जाए, थोड़ा छोटा भी कर रहे हैं सो दैट हमारे पास स्पेस काफी हो. ग्रुप वन कौन सा है बेटा? ग्रुप वन है दस वन. दिस इज ग्रुप वन. कैन यू सी द ग्रुप वन? दिस इज ग्रुप वन. ग्रुप वन, ग्रुप वन इज नोन एज, ग्रुप वन इज नोन एज. ग्रुप वन का नाम क्या है? Alkali metals. Write it down. Alkali metals. Alkali metals. Group 2. Group 2 is known as. Exam में question आते हैं 1-1 mark के, आपको पता होने चाहिए. Group 2. ये वाला. बोलिए बेटा. वेरी गुड. एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. वेरी गुड. ग्रुप 18 इज नोन एज नोबल गैसेस. नोबल गैसेस. नोबल गैसेस. हम ग्रुप 18 की बात कर रहे हैं. 18 ग्रुप आप देख सकते हैं, ये वाला है. ग्रुप 18 इज नोन एज नोबल गैसेस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 17. हैलोजन्स. ग्रुप 17 इज नोन एज हैलोजन्स. सर ये नोट करते जाइएगा, एग्जाम में 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं यहां से.
group 16. Chalcogens. It's Chalcogens. Spelling आप ढूंढते रहिएगा. It is known as Chalcogens. Group 15. Picogens. Picogens या Picogens जैसे आप अनाउंस करना चाहें. Group 15. Picogens. नाम की पूरी गारंटी है. स्पेलिंग आप ढूंढ लेंगे अगर कोई चेंज आता है तो. इसमें आता है, एक आता है व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. क्वेश्चन आता है व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन बताएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों को कंबाइनली. एस ब्लॉक. जो बाकी बच्चे हैं बिल्कुल नहीं घबराएंगे. इन्होंने ये दूसरे बैच के बच्चे हैं, इन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है इसलिए इन्हें आते हैं. जब इनसे पूछ रहे थे तो इनको भी नहीं आते थे, तो इसलिए ये बहुत सारे आंसर्स दे रहे हैं. अभी हम इन पे बैन लगा देंगे आंसर देने का. एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंबाइंडली नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. कौन कौन से? ये वाले, ये आपके एस ब्लॉक है. दिस इज योर एस ब्लॉक. ये जो है दिस इज योर पी ब्लॉक. इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में, दे आर known as representative elements. They are known as representative elements. किसी बच्चे ने late join किया तो मैं बता देता हूँ, ये दो blocks हम बना चुके हैं. ये आपका D block है. इसमें अगर आप देख पा रहे हैं, मैं color change कर देता हूँ. ये जो ये वाले हैं, इसके अंदर green में जितने elements हैं, this is D block. And ब्लैक कर देते हैं, जो येलो ब्लैक में आ रहे हैं, दिस इज एफ ब्लॉक. एफ ब्लॉक. तो चार ब्लॉक्स थे. एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. अब क्वेश्चन ये आता है, अब कोई और बच्चे आंसर देंगे. D block is known as, D block को क्या बोलते हैं? D block is known as transition element. Transition element. D block is known as, write down. D block is known as transition elements. Transition elements. Transition elements. Transition बदलाव. Transition means change. फिर आता है एफ ब्लॉक. एक्सक्यूज मी सर. यस सर. इसका रीजन आ सकता है कि हम डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? आ सकता है तो मैं बता देता हूं अगर आप पूछ रहे हैं तो. जो प्रॉपर्टीज हैं डी ब्लॉक की वो एस और पी में फॉल करती हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक लाइज बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक. मान लीजिए साइज है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है, तो ये हो गया एस ब्लॉक, ये आपका हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक. तो डी ब्लॉक की जो साइज है वो एस से छोटा होगा, पी से बड़ा होगा. तो ये बदलाव है, बीच में आ रही है. फिर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है. एस डी पी. डी की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एस से ज्यादा है, पी से कम है, तो इसको इनडायरेक्टली बोलते हैं बदलाव. ये ट्रांजिशन फेस है.
इंग्लिश में ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंजेस और बदलाव। तो ये बदलाव है। डी ब्लॉक हैज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज देन एस एंड बी ब्लॉक, तो वो ट्रांजिशन फेस में आती है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप ढूंढेंगे। व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स, व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स, ये आपका होमवर्क है, आप ढूंढ के लाएंगे। इसमें एक चीज और देखिए, अगर आप यहां पे को एंड में फोकस करें, एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, हाउ मेनी एलिमेंट्स, राइट इट डाउन, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, 118 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, देन यू राइट 118, आंसर इज 118। 4F, ये जो सीरी, ये पूरा F ब्लॉक है, दिस इज F ब्लॉक, दिस इज F ब्लॉक। इसमें दो सीरीज है, ऊपर वाली सीरीज है 4F, नीचे वाली सीरीज है 5F. पेपर में 1 mark का क्वेश्चन आ सकता है। 4F सीरीज इज नोन एज लेंथेनाइड्स, 4F सीरीज इज नोन एज लेंथेनाइड्स, 5F सीरीज इज नोन एज एक्टिनाइड्स, 4F सीरीज इज नोन एज लेंथेनाइड्स, 5F सीरीज इज नोन एज एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ टू प्रिडिक्ट ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। आपको एक एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, आपको उसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक प्रिडिक्ट करना है। तो मैं आपको ग्रुप पीरियड और ब्लॉक समझा रहा हूं फिर से एक बार। जो ऊपर से नीचे होते हैं ग्रुप्स होते हैं, आप नंबरिंग देख सकते हैं 18 तक लिखे हुए हैं, देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। ये जो हॉरिजॉन्टल भी नंबर लिखे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, मैक्सिमम पीरियड्स आर 7। ब्लॉक्स, 4 blocks होते हैं, ये एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, मैं लिख भी देता हूं, दिस इज एस, दिस इज डी, दिस इज पी, ये जो नीचे बना हुआ है दिस इज एफ। ये तो पीरियोडिक टेबल आपके सामने बना हुआ है, तो आप देख के बता पाएंगे उसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक क्या है। पर एग्जाम में आपको पीरियोडिक टेबल नहीं दिया होगा, आपको एक एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, आपने उसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक बताना होगा। अभी मैं आपको सामने रख के करवा रहा हूं सो दैट आप जल्दी से सीख पाए, आप जल्दी से इसको सीख पाए। आइए मैं यहां पे एक एलिमेंट ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हम एलिमेंट ले रहे हैं फ्लोरीन। सबसे पहले जिसका पीरियड ग्रुप ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 9 की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p5। तो सबसे पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। ये हमें बताना, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है, ये जो लिखा हुआ है 1s2, 2s2, 2p5। अब मान लीजिए मैंने लिखा 1s2, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, 2s2 में 2 है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है,
2P5 में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? टू। तो जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो पीरियड होगा, दैट इज अ पीरियड। अभी हम मिलाएंगे भी, अपना आंसर को मैच भी करेंगे। जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में गया, ध्यान से देखिए, P5। तो ये पी ब्लॉक बनेगा, ये पी ब्लॉक। और एस में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही आंसर है, जीरो प्लस इलेक्ट्रॉन्स, एस में जीरो ऐड करते हैं। डी में 2+ इलेक्ट्रॉन्स, पी में 12+ इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ne लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। ऐसा कोई बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैं आपको एक इजी ट्रिक सिखा रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये बताइए आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में गया, पी ब्लॉक। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? गिनिए, 5 है। तो मैंने इस फॉर्मूले में 12+5 लिख दिया, कितना हो गया? 17। तो इसका 17th ग्रुप होगा। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, मैं एक दो क्वेश्चन और कर रहा हूं सो दैट आप अच्छे से समझ पाए। आइए कोई और एग्जांपल लेते हैं, ये धीरे धीरे आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे, घबराइए मत। मैं इसको साइड पे लिखता हूं, एस में 0+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर आता है डी, इट्स 2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला टीचर को देने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए है। एफ में 12+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने द्वारा लिख दिया, इसको हम रब कर देते हैं। अभी हमने किया था वो यहां पे बता देते हैं, हमने किया था पी था तो 12+5 17 आ गया था यहां पे। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, आइए अब हम लेते हैं 20। आपको एक एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, उसका ग्रुप पीरियड और ब्लॉक मांगा जाएगा। तो हमने 20 के लिए किया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब इसमें सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 4। तो जो इसका पीरियड होगा, पीरियड इज 4। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन गया किसमें? एस में, तो ये ब्लॉक होगा एस, एस ब्लॉक। एस में चेक करिए क्या करते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। तो अगर आपको ग्रुप निकालना है तो इसमें 0 ऐड करना है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 0+2 इज 2, तो ग्रुप इज ग्रुप 2 बन जाएगा, ग्रुप 2 बन जाएगा। तो इसका पीरियड 4, ब्लॉक एस, ग्रुप 2, दोनों को मैच कर रहे हैं एक एक करके। मैं थोड़ा सा इसको हट कम कर देता हूं सो दैट आपकी विजिबिलिटी लेवल बढ़ जाए, इसको रब कर देते हैं। अब आप पहचान पा रहे हैं, आइए इसको देखते हैं। एफ ब्लॉक तो जो नीचे है वो एफ ब्लॉक है, ये एफ है, ये आपका पी ब्लॉक है इधर इधर तक, ये डी ब्लॉक है इधर तक, और एस ब्लॉक है यहां तक। आइए, हमने पहला क्वेश्चन किया था, नंबर था 9, अगर आपको याद हो हमने नंबर 9 लिया था। नंबर 9 पीरियोडिक टेबल में देखिए ये रहा, और ग्रुप देखिए कौन सा है, कौन सा ग्रुप आ रहा है, चेक करिए, 17। ये देखिए हमारा 17 आ रहा है, यस सर।
फिर उसके बाद पीरियड, पीरियड होते थे ऐसे, टू पीरियड देखिए कौन सा आ रहा है, सेकंड पीरियड, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, तो ये सेकंड पीरियड में आ रहा है, ये भी करेक्ट आ रहा है। और ध्यान से देखिए ये पी ब्लॉक में आ रहा है, तो ये देखिए पी ब्लॉक के अंदर आ रहा है, पी ब्लॉक यहाँ तक है, तो ये पी ब्लॉक में आ रहा है, तो पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, उनका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, 20 ढूंढिए पहले, तो यहाँ पे कहाँ पे है, ये देखिए 20 में आप सबसे पहले तो पीरियड चेक करिए, देखिए पीरियड कौन सा है, ये पीरियड कौन सा है, फोर। ब्लॉक कौन सा है, एस, ये देखिए एस ब्लॉक में था, ये एस ब्लॉक है, ये सारा एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ग्रुप, ग्रुप देखिए हमारा टू आ रहा है, ये ग्रुप वन है और ये ग्रुप टू है, ग्रुप टू आ गया देखिए, तो इससे हमें ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालने आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपने उसको सॉल्व करना है और मुझे यहाँ से नहीं देखना, आपने खुद करना है। मैं आपको एटॉमिक नंबर 15 दे रहा हूँ, ट्राई करिए 15, आई टेक 2 मिनट्स एंड सॉल्व दिस। कोई बच्चा आंसर नहीं बोलेगा। सबसे पहले आपने कॉन्फिगरेशन लिखनी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया है, तो ये तो ब्लॉक हो गया, ब्लॉक इज p। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम यूज कर रहे हैं वो 3 कर रहे हैं, तो पीरियड इज 3। अब आता है ग्रुप, P के अंदर क्या करना होता है, 12 ऐड करना होता है, 12 + 3, दैट इज 15th ग्रुप। तो इस तरह ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक निकाला जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, अब आप करेंगे, अब इससे थोड़ा टफ हो जाएगा वो क्वेश्चन, अब हम इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। अब आपके लिए है 27, एटॉमिक नंबर 27, आपको इसका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना है। सामने जो पीरियोडिक टेबल है इसको यूज नहीं करना, एग्जाम में ये पीरियोडिक टेबल आपके पास नहीं होगा। करिए, वी आर डूइंग 27, सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखिए कौन सा आया है, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आया है, ये वाला, तो पीरियड इज 4। फिर ब्लॉक, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में गया है, तो ये डी ब्लॉक होगा। अब आपने ग्रुप निकालना है, ग्रुप, ग्रुप में जब डी में आता है तो कितना ऐड करते हैं, 2, 2, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 9। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एक दो एक्सेप्शंस करा रहा हूं, जब भी पेपर में आती हैं तो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। आई गिव यू, ये पीरियोडिक टेबल भी मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अब आपको खुद करना है ये क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है। तो आपके लिए क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर 24, आपको इसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक बताना है, एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू सॉल्व। आई एम जस्ट गिविंग यू
1 minute to solve. Your time starts now. करिए सॉल्व. कोई भी बच्चा आंसर नहीं भूलेगा. Okay, your time is over now. Okay, अब check करते हैं किस किस ने इसको कर लिया. समीक्षा बेटा बताएंगे इसका पहले तो ब्लॉक कौन सा होगा. समीक्षा बेटा okay, that's fine. समीक्षा बेटा said Atomic number 24 has D block. That's a correct answer. Okay. अब प्रथम जी बताएंगे इसका पीरियड कौन सा होगा. सर फोर्थ पीरियड होगा. That's very good. अब एक नूर बेटा बताएंगे ग्रुप क्या होगा. ये सबसे सेवन. ये सबसे रिस्की है. सबसे गलती यही होती है. बिटिया ने बोला सेवेंथ. ओके बच्चे जैसे मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा गलती ग्रुप में ही होती है तो यहां भी गलती ग्रुप में ही हुई है. ये सेवेंथ बनाया गया है. आइए मैं आपको दिखाता हूं. हम पहले अपना पीरियोडिक टेबल वापस ले आते हैं. जस्ट अ मिनट. पीरियोडिक टेबल हम वापस ले आए अपना. ये हमारा पीरियोडिक टेबल वापस आ गया एंड हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर देते हैं सो दैट रीडेबिलिटी और बेटर हो जाए. आइए अब हम 24 को निकाल के देखते हैं. 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ये 24 की कॉन्फ़िगरेशन होती है. तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है. तो पीरियड इज फोर्थ. वो फाइन हो गया. लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया. डी ब्लॉक में. वो भी करेक्ट हो गया. डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा डी ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया. वो भी करेक्ट हो गया. अब अगर आपको पीरियड निकालना है तो इसमें करना होता था 2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी. आपने 2+5 किया तो आपका 7 आ गया. बिटिया ने 7 ही बताया था. तो बिटिया ने जो ट्राई किया वो बिल्कुल करेक्ट था. बट एक चीज याद रखिएगा जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वो विदाउट एक्सेप्शन बना हुआ है. अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एक्सेप्शन लिखूंगा तो करेक्ट आएगी. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. अगर मैं विदाउट एक्सेप्शन लिखूं तो करेक्ट आएगी. पीरियड देखिए कितना आएगा. पीरियड आएगा 2+4 दैट इज 6. आइए इधर देखते हैं. हमारा था एटॉमिक नंबर 24. हम थोड़ा क्लीन कर देते हैं. 24 इज 10.
24 is sixth period, not seventh period. आप मिला भी सकते हैं horizontally. बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन करेंगे. कॉपर 29 करिए. कॉपर 29 इस केस में तो मैं सिर्फ थोड़े कम ही सेकंड्स दूंगा, 45 सेकंड्स दूंगा. जल्दी से दे दिए, जल्दी से करेंगे. पीरियोडिक टेबल से नहीं देखना, खुद करना है. और जब ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालना है तो एक्सेप्शन वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी. करिए जल्दी से. डन सर. वेरी गुड. डन सर. बस वेट करिए. That's right. Time is over. अब मैं आपको 29 की लिख के दिखाता हूँ. अगर तो आपने बिना एक्सेप्शन के लिखी है तो आपका आंसर करेक्ट आएगा. 1s2, 2s2, 2p6. Just a minute. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 2, 3d9. ये विदाउट एक्सेप्शन. विदाउट एक्सेप्शन में आप देखिए सबसे बड़ा प्रिंसिपल काउंटर नंबर कौन सा है? 4. n is 4. तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल काउंटर नंबर 4 है, तो ये आपका पीरियड बन गया. पीरियड इज 4. अब लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया है तो ये d ब्लॉक बन जाएगा. और ये अगर ग्रुप निकालना है तो डी में क्या करना पड़ता है? 2 प्लस इलेक्ट्रॉन 9, दैट इज 11. तो अब ध्यान से देखिए 29 इज दिस. देखो कौन से ग्रुप में आ रहा है? 11th ग्रुप में आ रहा है. 11th. अब इसी को मैं दिखाता हूं. अगर हम 30 लेते, एटॉमिक नंबर 30 के लिए क्या बनता? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 3d10. तो अब इसमें निकालिए. आखिरी इलेक्ट्रॉन d में गया तो d ब्लॉक. इसका पीरियड 4 आ गया. पीरियड इज 4. ग्रुप 10 and 2, 12 आ गया. अगर मैं पिछले वाले में भी एक्सेप्शन कर दूं, अगर मान लो मैं पिछले वाले में एक्सेप्शन कर देता हूं 1 and 10, तो देखिए इसमें भी क्या आ जाता. फिर तो दोनों की पोजीशन ही सेम हो जाती ना. दोनों का ग्रुप पीरियड ब्लॉक सेम हो जाता. देखो तो पीरियोडिक टेबल इज विदाउट एक्सेप्शन, याद रखिएगा. पीरियोडिक टेबल इज विदाउट एक्सेप्शन. अदरवाइज 29 और 30 का सब कुछ ही सेम आ जाएगा. ऐसे 24 और 25 का भी सब कुछ सेम आ जाएगा अगर हम एक्सेप्शन बना देंगे तो. तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको. आई गिव यू अ क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा हो. उससे पहले हम आपका ये पीरियोडिक टेबल हटा देते हैं सो दैट आप क्लास पे फोकस कर पाए. जिन बच्चों ने हमारी क्लास पहले लगाई वो आंसर नहीं भूलेंगे. आपका क्वेश्चन है 109 का ग्रुप पीरियड और ब्लॉक बताना है. यू हैव टू टेल ग्रुप पीरियड ब्लॉक ऑफ 109. आपको 1 मिनट हम दे रहे हैं. करिए सर. 1 मिनट दिया.
आपको 109 का ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालना। योर टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। एक मिनट में सॉल्व करना है, जिसमें से 40 के आसपास सेकंड रह गए। डांसर बिटिया ने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए बाकी बच्चों को नहीं डांसर बाकी बच्चों को नहीं डराना। आपने पहले मेरे से पढ़ा हुआ है। ओके, टाइम इज ओवर। अगर आपने ये हमारे से पहले नहीं किया हुआ तो मुझे लगता है शायद आप नहीं कर पाए होंगे। आइए हम आपको सिखाते हैं इसको 10-15 सेकेंड्स में कैसे करते हैं। मैं आपको वो सिखा रहा हूँ, हाउ यू कैन डू इन जस्ट 10-15 सेकेंड्स। ये मैंने आपके लिए ओपन किया है सो दैट आप मिला पाए। मैं तो आपको निकालना सिखा रहा हूँ। अब ये ट्रिक तब एप्लीकेबल है जब 104 103 से बड़ा आ जाए। इफ द क्वेश्चन इज बियॉन्ड 104, यहां पे 109 आ गया, तो पहले तो इसमें से 100 माइनस कर दीजिए, तो नाइन्थ ग्रुप होगा आपका। नाइन्थ ग्रुप है तो पहले दो ग्रुप तो एस के होते हैं, तो इसका मतलब ये D7 होगा। D7 है तो D ब्लॉक हो गया। और 104 से जितने भी आगे हैं, 104 से जितने भी आगे हैं वो ग्रुप सॉरी पीरियड 8th होंगे। उनका पीरियड हमेशा ही 8th होगा, तो 8 पीरियड बन गया। सर 7 होगा सर। सॉरी 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 7th होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं देख रहा था आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। 7th होगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको चेक करते हैं। अब हमने लिया 114, तो कितना माइनस करेंगे 100 ग्रुप बन जाएगा। एंड 14th ग्रुप अगर ध्यान से देखें, 1 and 2 ग्रुप जो होते हैं वो एस के होते हैं, एस ब्लॉक। 3-12 जो होता है वो होता है डी ब्लॉक। 13-18 जो होता है वो होता है पी ब्लॉक। तो चेक करिए 14th ग्रुप है तो ये पी ब्लॉक बनेगा। 14 तब बनता है जब ये P2 हो, दैट्स फाइन। एंड अब हमारा ग्रुप भी निकल आया, ब्लॉक भी निकल आया, पीरियड हमने आपको बता दिया 7th होगा। तो दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड इफ द क्वेश्चन गोज बियॉन्ड 104। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करेंगे। आई एम गिविंग वन मोर क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिए 111 का ग्रुप पीरियड और ब्लॉक बताना है। करिए उम्मीद करते हैं अब तक हो गया होगा। बड़ा छोटा होता है, कोई बात नहीं, जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर देंगे। इसका आंसर देंगे मुझे गौरी बेटा देंगे। गौरी बेटा बोलो, इससे पहले तो बताओ ग्रुप क्या होगा। ग्रुप 11 ग्रुप इज वेरी गुड। पीरियड कितना होगा, पीरियड कितना होगा। ओके पीरियड मुझे बता दें गुरुप्रताप जी या हरलीन जी। डी पीरियड बेटा, पीरियड
ब्लॉक बता रहे हैं पीरियड सेवेंथ होगा एंड अब आएगा ब्लॉक. अभी देखिए ध्यान से 3 to 12 ब्लॉक कौन सा होता है, डी का होता है, तो ये डी ब्लॉक बन जाएगा डी ब्लॉक. तो ये बहुत इजी मेथड है ग्रुप पीरियड ब्लॉक निकालने का. इफ द क्वेश्चन कम्स बिटवीन 30 to 130, 103, वो मैं आपको किसी और कॉम्पिटिटिव लेक्चर में सिखाऊंगा. अगर 3 और 103 के बीच में आ जाता है तो क्या करना है विदाउट राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन लिख के तो कोई भी निकाल सकता है, पर अगर बिना कॉन्फ़िगरेशन के निकालना हो तो क्या करना है. वैसे स्कूल एग्जाम में 30 तक आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीचर बहुत टफ करने की सोचता है तो 104 से आगे 3 से आगे निकल जाता है. उसके लिए हमने आपको ट्रिक बता दिया. अगर बाय चांस 30 to 103 के बीच में आएगा तो कैसे निकालना है, मैं आपको किसी कंपटीशन क्लास में कराऊंगा. आइए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं फिर से. ये जो हमने अभी एक रूल किया था एस में आप 0 ऐड कर दीजिए प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी में आप पहले डी था, डी में आप 2 ऐड कर दीजिए प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी में आप 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दीजिए. ये आया कहां से, मैं ये समझा रहा हूं वो कहां से आया. देखिए जो ग्रुप 1 है वो S1 है, ग्रुप 2 इज S2. S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2. तो S1 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में S1 आएगा वो अपने आप ग्रुप 1 होगा. एग्जाम्पल के तौर पे हम 19 ले लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ पे, 3s2, 3p6, 4s1. इसमें जितनों मर्जी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम राइट कर लो, ये सारे के सारे S1 है. ग्रुप 1 इज ऑल S1, तो इसका ये है ही S1. ऐसे जब तुम ग्रुप 2 के किसी भी मेंबर की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, लाइक मैं बेरिलियम की लिख देता हूं, इट इज 1s2, 2s2, ये सारे S2 हैं. दिस इज ऑल S2. तो इसीलिए ये एक S1 ग्रुप हो गया, एक S2 ग्रुप हो गया. जो ये 3rd ग्रुप है इट इज D1, 4th ग्रुप इज D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. अब बताइए D10 कौन से नंबर पे आ रहा है, 12th पे आ रहा है. अब मैं किसी के भी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक लिख के दिखाता हूं, एक्सेप्शन नहीं लिखनी. मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल इज विदाउट एक्सेप्शन, जो ये बना हुआ है. मैंने आपको एक नंबर लिख के दिखाया लाइक 23 लेता हूं रेंडमली, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. 3d3, ये देखिए d3 चेक करिए कहां पे, ये है d3. d3 इज 10. अगर हम d3 को देखें ध्यान से, ये वाला d3 का ग्रुप नंबर देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है. 5 क्यों आ रहा है बेटा, 3 तो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ले रहे हैं हम. इससे पहले 2 ग्रुप आ चुके हैं, किसके, एक S1 का एक S2 का. D के तो हमने सारे ले लिए ना, तो उसके 3 तो हमने ले लिए, पर हमने किसके नहीं लिए, S के नहीं लिए थे. S के कितने हैं, 2. 2 प्लस 3 कितना बन गया, 5. कितना बन गया, 5. तो जब भी हम D ब्लॉक लेंगे,
जब भी हम डी ब्लॉक लेंगे हमें एस के दो इलेक्ट्रॉन ऐड के, लेफ्ट साइड पे देखो कितने हैं, मुझे बताइए लेफ्ट साइड पे इसका कौन सा ब्लॉक है, डी के लेफ्ट पे कौन है? एस सर, डी के लेफ्ट पे कौन है? एस ब्लॉक। एस, एस में कितने हो सकते हैं? टू, तो हमें टू ऐड करना पड़ता है, इसलिए हम टू ऐड करते हैं। डी में टोटल कितने आ सकते हैं? टेन। डी में टोटल टेन आ सकते हैं। अब मान लो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी नाइन की, एटॉमिक नंबर नाइन, कलर चेंज कर देते हैं, नाइन लिख रहे हैं हम, नाइन 1s2 2s2 2p5। अब इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? p में। अब ये p ब्लॉक है, अब देखिए ये है p1, ये p2, ये p3, ये p4, ये p5, ये p6, हमारा कौन सा आया? p5। p5 देखो कौन सा है, 17 17th है, कौन सा है? आप इसके लेफ्ट साइड पे देखो कौन कौन से हैं, पी ब्लॉक के लेफ्ट पे कौन कौन बैठा है? एस ब्लॉक बैठा है और डी ब्लॉक बैठा है, पर पांच इलेक्ट्रॉन पी के हैं, एस के दो, डी के दस और पांच इसके अपने, तो 17th बन गया। सर बात समझ आ रही है? लेफ्ट साइड पे ब्लॉक कौन सा है? एस। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। डी में कितने हैं? दस। तो आप याद करो हम 12 ऐड करते थे, हमने फॉर्मूला बना लिया था 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 12 कहां से आया? जितने जितने ब्लॉक लेफ्ट साइड में है उसको ऐड करना है। बोलिए समझ आया है सर? यस सर। एस के लेफ्ट में कितने बैठे हैं? एस के लेफ्ट में जीरो। सर एस के लेफ्ट में कोई है ही नहीं, तो कितना ऐड करेंगे? एस, एस के केस में जीरो ऐड करेंगे प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी के बताओ लेफ्ट पे कौन बैठा है? एस। एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टू। टू, तो टू ऐड करेंगे। पी के लेफ्ट में कौन कौन बैठा है? एस एंड डी। एस एंड डी, तो एस एंड डी में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? टू प्लस टेन दैट इज 12, इसलिए 12 ऐड करते हैं। सर आपको क्या, आपको ये समझ आया है ये ऐड क्यों कर रहे हैं हम? देखो अगर अगर ये चीज समझ लोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा, अगर नहीं समझोगे तो आंसर तो करेक्ट आएगा ही आएगा। तो बोलिए समझ आ गया? ये 2 प्लस 0 2 10 12 कहां से आ रहे हैं सारे? यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं सारा समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बाय बाय।